बिजली बोर्ड दे स्टोर दे ठेका मुलाजम नूं बिना कारण तो नौकरी तो कढे जाण दे विरोध विच धरना प्रदर्शन कीता गया। श्री मुकतसर साहिब दे बिजली विभाग विच कम करदे हुए ठेका आधारित मुलाजम जो कि पिछले 10 सालां तो विभाग विच अपनियां सेवावां दे रहे हन, उहनां नूं बिना किसी कारण तो नौकरी तो फौरक कर दिता गया। इस मौके ते वख-वख जथेबंदियां पावरकॉम टास्को ठेका मुलाजम जल सप्लाई ते सैनिटेशन कंट्रैक्ट वर्करज यूनियन PSPCL कंट्रैक्ट वर्करज ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चा पंजाब दे आगुआं जसविंदर सिंह, केसर सिंह, बलजीत सिंह पट्टी, वरिंदर सिंह, बिक्रमजीत सिंह कपूर, जसबीर सिंह काला, मनजिंदर सिंह अते गुरविंदर सिंह ने कहा कि बिजली बोर्ड श्री मुकतसर साहिब विच पिछले 10 सालां तो कम करदे हुए 3 ठेका मुलाजम नूं बिना किसी कारण तो नौकरी तो फौरक करन दे विरोध विच अज बिजली बोर्ड श्री मुकतसर साहिब दे मेन दफ्तर विखे धरना प्रदर्शन किया गया अते कढे गए कर्मचारियों नूं बहाल करवाउण तक संघर्ष जारी रखण दा ऐलान किया गया। बिजली बोर्ड की कड़िया मैनेजमेंट मुर्दाबाद, बिजली बोर्ड की कड़िया मैनेजमेंट मुर्दाबाद, स्टोर वाले साथी बहाल करो, साढ़े कटे हुए स्टोर वाले साथी बहाल करो, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, आउटसोर्सिंग ठेका मुलाजम यूनियन जिंदाबाद। मेरा नाम वरिंद्रपाल सिंह जी, पावरकॉम एंड ट्रांसको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन पंजाब। अज असी मुकतसर स्टोर का एक मसला बड़ा गंभीर है इतों का, जिदे संबंध में असी वख-वख जथेबंदियों वालों एक धरना दिता गया। इत्थे एक दूसरे महीने सेंटर स्टोर वालों कार्रवाई की गई, तो एक इत्थे समान की खुरद बुरद जी हुई है उन्दे ते एक FIR दर्ज की गई सी। उस FIR दे जिहड़ी रिपोर्ट है 11वें महीने पेश हुई है, तो उन्दे विच साफ साफ एक जाहिर किया गया है भी आहा बंदे जिम्मेवार है ते गुनेगार है जिहड़े इस FIR दे विच आउंदे है। परंतु साढ़े कुछ साथी जिहड़े इत्थे समान दी ढोआ ढवाई दे विच ठेकेदार वल्लों रखे गए सी कंपनी वल्लों, ते उन्हां नूं एक ठेकेदार अज चिट्ठी कढ़दा है भी इन्हां नूं नोटिस दित्ता जांदा भी तुहानूं एक महीने दे विच अपनी ड्यूटियां तों फारग किया जांदा है, जो कि सरासर धक्का। जिहड़ी एक सेंटर स्टोर वालों कमेटी बनाई गई है मैनेजमेंट की, उन्दे विच भी साफ लिखा गया है भी जिहड़े ये बंदे हैगे है जिहड़े FIR दे विच शामिल ही नहीं गए ते उन्हां दीआं बदलियां कीतीआं जाण। किते ये लफ्ज़ नहीं लिखा गया उन्हां दी एक रिपोर्ट दे विच भी इन्हां नूं नौकरियां तों फारग किया जाए, परंतु जिहड़ा ठेकेदार आ उन्दे वल्लों एक लैटर कढ़ी जा रही है भी इन्हां नूं एक महीने का नोटिस दे के दसंबर के महीने में नौकरियों तो फारग किया जा रहा, जिहड़ा कि ठेकेदार वल्लों सरासर धक्का हैगा। तो इत्थों की जिहड़ी मैनेजमेंट हैगी आ उन्हां नाल असीं वार्तालाप की इस मैटर से, वह कहिंदे जी असीं साडे वल्लों तो यह कार्रवाई की नहीं जा रही, इहदा ठेकेदार वल्लों नोटिस दिता जा रहा। तो साडी इस जथेबंदी वल्लों एक बेनती हैगी है भी यह जिहड़ा मसला हैगा इहनूं विचारिया जाए, तो नहीं तो एदू वे जे संघर्ष असी दिते जाएंगे तो इस कामे नूं असी बहाल कर बिना इतों धरना नहीं चकांगे। जेकर इन्हों नौकरी से वापस नहीं रखते तो अगला संघर्ष की होगा? जो साडी कमेटी का फैसला होगा इतों की, तो जिस तरह का भी असी उन्होंने तनदेही निभावे तो इस स्टोर के साथियों जो है बहाल करा के हटा। असी स्टोर के वर्कर साथी हैं जी, साडी ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चा यूनियन, तो असी घट्टो घट 8-10 साल तो इतने काम करते आ रहे हैं, तो सानू एक महीना पहला एक नोटिस दिता गया भी कहिंदे तुहानू असी तुहाडी जगह बंदे होर रखने साडे ठेकेदार वालों, तो असी तुहानू दसना चाहुंदे जो इत्थे कार्रवाई पहला हुई सी जिवें प्रधान जी ने दस्सिया भी एक अफसर ने समान की खुरदबुरद की है, तो उहदे विच कोई साडा दोष नहीं गा, आ साडे कोल FIR दियां सब कापियां, इहदे विच साडा किते कोई नां नहीं, तो सानू एवें कढ़िया जा रहा है। जेकर इह विभाग तुहानू वापस नहीं रखदा तां तुहाडा अगला कार्रवाई की होएगी? अगला जो साडा फैसला गुरु कमेटी असीं संघर्ष करांगे। ठीक है, अज तुहाडे नाल इत्थे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, उन्हां बारे तुसीं की कहना चाहोगे? एडी ठंड दे विच तुसीं आपदे बच्चे लै के आए हो, उन्हां बारे की कहोगे? असीं साडे बच्चे जी बेनती करन आए, एक इन्हां अगे अर्ज करन आए आ भी जो साडे माँ प्यो आ इन्हां नूं रख्या जावे कम्म ते, जे सानूं इस कम्म ते नौकरी ते दुबारा इह नहीं रखणगे तां साडे बच्चे इत्थे ही बैठे रहणगे। मेरा नाम जसविंदर सिंह है, स्टोरां दा आगू हां जी,
PSPCL TSTCL ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਥੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਰਦ ਫੁਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਸਾਥੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ 3 ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।